हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन लोग बात करने वाले हैं बजाज की तरफ से 100cc सेगमेंट की एक बिल्कुल ही न्यू ऑफरिंग के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक पावर देखने को मिल जाएगी, ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये बाइक डेली कम्यूटिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाली है। आज अपन लोग बात करने वाले हैं डिस्कवर 100 के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि यार इंडिया में अभी देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अभी डेली कम्यूटिंग के पर्पज़ से 100cc बाइक को ही परचेज कर रहे हैं, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है भाई माइलेज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्कवर सीरीज हमेशा से अपने माइलेज के लिए मशहूर रही है, तो ऐसे में बजाज जो है अपने डिस्कवर 100 के न्यू मॉडल को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और अगर आप लोगों को डिस्कवर 100 के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, और इसी तरह बाइक की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कवर 100 के न्यू मॉडल में आपको उतने फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको स्प्लेंडर एसटैग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली बाइक रहने वाली है और उसी हिसाब से आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एनालॉग में RPM मीटर और डिजिटल में आपको फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, क्लॉक और भी कुछ बेसिक फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट के साइड में आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन की LED DRL देखने को मिलेगी, और वही हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। रियर के साइड में आपको वही टेल लाइट देखने को मिलेगी, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब में ही देखने को मिल जाएंगे। टायर साइज के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, डिस्क और ड्रम। डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस CBS देखने को मिल जाएगा। और वहीं ड्रम ब्रेक वेरिएंट में आपको फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक, रियर में भी 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको 99.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व एयर कूल्ड BS6 FI DTSI इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 8.1 BHP के अप्रॉक्स पावर और 8.3 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 4-स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में तो डिस्कवर 100 के न्यू मॉडल की एक्सरूम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 65,000 रुपीज़ से लेकर 70,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो ये बाइक यहाँ पर डेली कम्यूटिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात कर लें तो डिस्कवर 100 का न्यू मॉडल आपको मई या फिर जून तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।